भाई सुबह का नाश्ता जो है ना वो रमजानों में हो जाता है शहरी के अंदर, ये आम दिनों के अंदर जो है वो रात में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बहुत स्पीड में जो है ना वो पराठा रोल बनते जा रहे हैं भाई, निकलते जा रहे हैं आप, ये देखें एक एक मिनट में एक रोल बनता है। ये यहाँ पे माहौल बना हुआ है भाई की स्पीड चेक करें आप, रुकते नहीं है, पराठे बनते रहते हैं। ये भाई सखावत कबाब हाउस, ये बंद है, ये जो जितने भी वहाँ पे कबाब रोल वाले बैठे हुए ना वो कहते हैं कि भाई सब इनके शागिर्द हैं। ये देखो भाई बगदादी के ऊपर रश चल रहा है, क्या खुशबू आ रही है यार जबरदस्त। ये देखें आप सब यहाँ बैठे हुए पुलाव वलाव खा रहे हैं, सहरियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजिया तबारक और भाई मैं मौजूद हूँ इस वक्त सोल्जर बाजार एक नंबर में। आप देख रहे हैं रमज़ान की रातें हैं और रमज़ान की रौनक तो फिर अलग ही होती है ना कराची में, ख़ासतौर पर यहाँ पे देखें आप ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, पूरियाँ बन रही हैं, शामी कबाब, पराठे, कलेजी, तरह तरह की वैरायटी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और सोल्जर बाज़ार कराची का बहुत पुराना इलाका है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है शहरी के माहौल में और आपको भी दिखाते हैं, तो फिर चलें। ये भाई न्यू कोयटा पंजाब होटल और ये है गौसिया रोल पॉइंट, इसके बराबर में भी काफ़ी कुछ सीन बना हुआ है यार, पंजाब हलवा पूरी। सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से, मज़े में, ज़बरदस्त शहरी का माहौल बना हुआ है हैं। ये देखें भाई आप, ये यहाँ पे रखा हुआ है हलवा, पूरियाँ तैयार हो रही हैं गर्मा गर्म, अचार है और ये क्या तरकारी, आलू का सालन आ गया, ये आलू का सालन आ गया और ये चने, ये चने भाई कितने की पूरी है? थोड़ी सर 40 रुपए की, 40 रुपए की पूरी और चने और तरकारी साथ में, और हलवा क्या हिसाब है? हलवा सर 160 रुपए का पाव, 160 रुपए का पाव। ये कितना पुराना है पंजाब होटल? ये तकरीबन 25 साल हो गए माशाल्लाह। कैसे हैं भाई जान आप? ठीक है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? कबाब रोल, कबाब रोल जी, शामी कबाब रोल, शामी कबाब सोल्जर बाजार का स्पेशल स्पेशल रोल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, जी 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 जी। ये कितने का है पराठा और रोल? 50 रुपए का, 50 रुपए, बहुत ही मुनासिब यार रमजान के, रमजान की खास ऑफर। पीछे चाय बन रही है यहाँ पे, ये पीछे यहाँ पे चाय बन रही है और यहाँ पे ये चाय पराठे के साथ जो लच्छा पराठा होता है ना वो यहाँ पे तैयार हो रहा है भाई, क्या बात है। देसी की है नॉर्मल की है? नॉर्मल की, नॉर्मल की है, नॉर्मल वाला अच्छा वाला है, लेकिन नॉर्मल अच्छा वाला है, सही बात है। वाह भाई वाह, गरम गरम पूरियां बन रही हैं यार, सोल्जर बाजार स्पेशल। दो पूरी दे दे जरा हमें भी यार, और थोड़ा सा हलवा भी, हाँ इधर ही खाएंगे, इधर ही खाएंगे। ये चने आ गए, ये हलवा आ गया, ओहो हलवे पे मेवा भी आएगा अलग से भाई। ये चीज़ ये आ गई भाई, हमारी तरकारी, हलवा आ गया और ये चने आ गए, गरम गरम पूरी आ गई, साथ में अचार, हमारा अचार। ये चीज़ भाई सुबह का नाश्ता जो है ना वो रमज़ानों में हो जाता है शहरी के अंदर, ये आम दिनों के अंदर जो है वो रात में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है ना वो ख़ास रमज़ान की पूरी आप देखें, 40 रुपए की ये पूरी है, तरकारी चने इसके साथ हैं। बिस्मिल्लाह, मज़ा आ गया भाई, असल में टेस्ट तो अच्छा होता है लेकिन एक जो माहौल होता है ना उसमें उस चीज़ का खाने का मज़ा अलग होता है। इतनी लेट नाइट आप बाज़ार में यहाँ खड़े हों, गरम गरम पूरियाँ बन रही हों, उसका मज़ा ही अलग है ना भाई। ये अच्छी बात इन्होंने बताई कि हलवा भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है यार, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि पूरी 40 रुपए की पूरी के साथ हलवा, तरकारी और चने, ये तीनों चीज़ें उसके साथ आपको मिल रही हैं। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, तरकारी चने थोड़े से स्पाइसी हैं, तरकारी लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार मसाला है चनों का भी तरकारी का भी, चने मुझे ज़्यादा पसंद आए और हलवा भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा अचार भी और थोड़े चने भी,
भजन मजेदार है यार, जबरदस्त मजा आ गया। अच्छा भाई, पंजाब होटल से हलवा पूरी तो हमने खा ली और बराबर में ये बना हुआ है जबरदस्त कबाबों का माहौल। भाई जान क्या हाल है आपके? क्या ये देखें आप, ये भाई कबाब रोल बनते जा रहे हैं यहाँ पे। असल में सीन ये है कि ये जो शामी कबाब पराठा रोल है ना, यहाँ पे एक सखावत रेस्टोरेंट है, इसका बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन वो अभी बंद है। उनके यहाँ फैमिली में कोई डेथ वगैरह हो गई है और उन्होंने ये शामी कबाब पराठा रोल शुरू किया था और फिर अब ये जो है ना वो आपको जगह जगह यहाँ पे आसपास और भी लोगों के पास नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी आइकॉनिक गुलजर बाजार की एक डिश है, शामी कबाब पराठा। देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये गलावटी कबाब है, ये गलावटी कबाब तो नहीं है, शामी कबाब है। शामी कबाब, शामी कबाब। कितने का है रोल? ये 60 रुपए का। 60 रुपए का? अच्छा, बराबर में 50 का मिल रहा है ये? बराबर में 50 का मिल रहा है? क्वालिटी में फर्क है, क्वालिटी में फर्क। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ये जो है ना ये कबाब है, ये पराठे बने हुए रखे और ये जो चटनी है ना, ये चटनी है, ये कीमा है। अच्छा चटनी ये है, ये कीमा किसका है? ये बड़े का कीमा है। बड़े का कीमा है और चटनी, ये चटनी डलती है रोल में, सारा कमाल इसका है जी सर, है चटनी का कमाल है सारा। कैसे आप ठीक है? खैरियत से? जबरदस्त भाई, चले यार एक रोल तो बनाए जरा हमारे लिए भी। ये देखो, ये पतला सा पराठा होता है, इसके ऊपर ये एक कबाब आता है जी जी, और फिर ये आती है चटनी, ये आ गए प्याज, ये ग्रेवी रोल मशहूर है हमारा। अच्छा ये भी आता है? ये मशहूर है। अच्छा ये कीमा भी हल्का सा डालते हैं? ये मशहूर। ये हो गया रोल तैयार। वाह जी वाह, जबरदस्त 60 रुपए का शामी कबाब रोल। ये मैंने सुना तो बहुत था, खाया कभी नहीं था यार। सच्ची बात ये है कि आज खा के देखूंगा। बहुत हल्का फुल्का नरम मुलायम सा पराठा है और 60 रुपए का रोल जो है ना, ये प्राइस काफ़ी मुनासिब है। बिस्मिल्लाह। टेस्ट है मज़ेदार है, बहुत स्पाइसी नहीं है। और जो प्याज इसके ऊपर ये डालते हैं ना, हल्का सा कीमा भी डालते हैं। जो शामी कबाब है वो भी बहुत नरम मुलायम सा है और सारी चीज़ मिल मिला के बहुत अच्छा घर के जैसा टेस्ट दे रही है। वेरी नाइस। यहाँ बन रहे हैं वो पराठे, भाई की स्पीड चेक करें आप। यार आपकी बहुत तेज स्पीड है यार, माशाल्लाह। खैरियत से? ठीक ठाक है, जबरदस्त। वो हो गई हलवा पूरी, ये हो गया कबाब रोल और यहाँ पे भी ये कबाब रोल बन रहा है भाई। ये अल खुर्रम है और इसके साथ यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या हाल है भाईजान? कैसे हो जी? खैरियत? क्या बन रहा है? ये बीफ कबाब है जी, चपली कबाब। चपली कबाब। और इधर क्या बन रहा है? ये चिकन कढ़ाई है। चिकन कढ़ाई भी बन रही है यहाँ पे भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? जबरदस्त भाई, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ भी बन रही हैं यहाँ पे। तो ये क्या कबाब मसाला कढ़ाई बना रहे हैं? ये कीमा फ्राई हो रहा है सर। कीमा फ्राई हो रहा है ये जी? ये तोए वाला कीमा एक फ्राई है। ओहो बेहतरीन हो गया भाई ये तो। चपली कबाब तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। खेले जा रहे हैं भाई, खेले जा रहे हैं, रमजान में अफ्तार के सीन जा रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? क्या हिसाब है अमरूद? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खरबूजा क्या हिसाब चल रहा है? सिर्फ 150 रुपए चल रहा है। 150 रुपए रमजान में महंगा तो नहीं हुआ? महंगा नहीं है, पहले से हम बेच रहे 150। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे भाई। वो उधर से हम जो है ना हलवा पूरी वगैरह खा के अब आ गए हैं इधर। बगदादी किचन बना हुआ है यहाँ पे, बगदादी का पुलाव मिल रहा है जिसपे बड़ा रश चल रहा है, तो इसको देखते हैं जरा क्या सीन है। ये देखो भाई, बगदादी के ऊपर रश चल रहा है। क्या हाल है भाई? ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बगदादी का पुलाव, क्या खुशबू आ रही है यार, जबरदस्त। ही पुलाव 1.5 पाव सिंगल प्लेट 210 रुपए की है और आधा किलो जो है वो 280 रुपए की है। वेरी नाइस।
ये देखिए आप सब यहाँ बैठे हुए पुलाव वलाव खा रहे हैं, सहरियाँ हो रही हैं, सहरियाँ चल रही हैं यहाँ पे, अंदर भी फुल रश चल रहा है, तीन पाव बता लड़ाओ, पार्सल भी होते जा रहे हैं पुलाव। ये कितना पुराना है बगदादी पुलाव? 6 महीने हुए हैं। रश तो माशाल्लाह जबरदस्त चल रहा है, रमजान में भी सहरी में भी माहौल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये आ गया भाई हमारा आधा किलो पुलाव। अच्छा भाई ये बगदादी पुलाव जो है ना ये नया ही खुला है, मैंने भी कुछ सुना नहीं था इसके बारे में, 6 महीने हुए हैं इसको। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और 280 रुपये में काफ़ी ज़्यादा मीट की क्वांटिटी भी इन्होंने इसके अंदर डाली है। आधा किलो पुलाव है 280 रुपये का, तो ये चेक करें आप। बिस्मिल्लाह। सबसे अच्छी बात मुझको ये लगी पुलाव को खाते ही कि इसके अंदर मिर्चें जो है ना वो नहीं है, क्योंकि पुलाव में मिर्चें नहीं होती, मिर्च होती हैं बिरयानी के अंदर। बहुत सारे पुलाव मिलते हैं कराची में जिसके अंदर जो है ना वो काफ़ी तेज़ मिर्चें होने लगी हैं, तो वो लगता ही है कि वाइट बिरयानी है। पुलाव यखनी का होता है और इसके अंदर यखनी की बड़ी अच्छी मज़ेदार खुशबू भी आ रही है, तेज़ भी आ रहा है, मिर्च उस तरह का इसके अंदर है नहीं, गर्म मसालों का है उनका। और जो रश है यहाँ पे इस टाइम के ऊपर वो बता रहा है कि जायका है। खुशबू, जायका, यखनी मज़ेदार है भाई। सोल्जर बाज़ार में सखावत का सोच के आया था कि यहाँ पे इनका रोल खाऊंगा मेनली, लेकिन ये बगदादी और वो जो हलवा पूरी हमने खाई है वो अनएक्सपेक्टेड था। और रमज़ान में यही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर लगती हैं। पुलाव तो खैर आमतौर पर भी लग रहा है, लेकिन हलवा पूरी, पुलाव, वो रोल और रमज़ान की रातें गहमा गहमी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे शहर की, हमारे मुल्क की रौनकों को कायम दायम रखे और रमज़ान के महीने में भाई खाएँ पिए भी, दूसरों को भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ, इबादत सबसे पहले और उसके बाद फिर हमारी सहरी तो बनती है। ये बनी हुई है भाई रेहान डेरी, और रेहान डेरी पे आपको आइसक्रीम, मिल्क शेक, लस्सी, कुल्फ़ी, फालूदा सब कुछ मिलेगा। तो ज़रा देखते हैं क्या सीन है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भाई। नारियल पानी भी मिल रहा है यहाँ पे। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? जी सर। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर सब कुछ है जो भी लगा हुआ है। आइसक्रीम, शेक, फालूदा, लस्सी है, लस्सी, एक लस्सी दे दें यार अच्छी सी। पीनी है, पीनी है। मलाई मार के आ गई भाई लस्सी। गरम दूध है ये फुल भाई। 110 रुपए की लस्सी है ये, और लस्सी शहरी के अंदर जो है ना वो पी लिया करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि दही जो है ना वो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ख़ास तौर पे कहते हैं कि दही अगर आप शहरी में खा लें या लस्सी पी लें तो प्यास आपको जो है ना वो नहीं लगती, और वैसे भी ये बड़ी हेल्दी आइटम होता है। बड़ी गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार ज़बरदस्त लस्सी है। और आपको लस्सी पसंद है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और रमज़ान की रौनक है इंशाल्लाह, हम आपको इसी तरह दिखाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।